ग्रेट जनरल का है 27 और बस यूनिवर्सल स्टूडियोस दिख रहा होगा। ये हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम जैसा बना रखा है। पार्किंग रेट जनरल का है 27 और बस और आरवी का है 32 एंड आइलैंड्स पार्क ऑफ एडवेंचर एंड यूनिवर्सल स्टूडियोज खुला है 10 बजे तक और सिटी वॉक जो एक शॉपिंग मॉल टाइप कुछ जगह है वो 2 AM एंड वोल्केनो बे जो तीसरा एडवेंचर पार्क है वहाँ तो हम जा नहीं रहे। तो फाइनली गाड़ी हो गई है पार्क, अब निकलते हैं यूनिवर्सल स्टूडियोज के लिए। यहाँ से ऊपर जाना है, दोनों एंट्री है आइलैंड्स पार्क ऑफ एडवेंचर यूनिवर्सल स्टूडियोज के भी, पता नहीं जाना किधर है। तो सिक्योरिटी चेक डन, अभी पार्क की ओर प्रोसीड करते हैं। अभी भी पता नहीं पार्क की एंट्री कितना अभी तक। आइलैंड्स पार्क ऑफ एडवेंचर के लिए यहाँ से जाना है एंड यूनिवर्सल स्टूडियोज के लिए यहाँ से जाना है। तो आज का हमारा बुकिंग यूनिवर्सल स्टूडियोज का है तो इधर जाएंगे। तो यहाँ स्टारबक्स भी है एंड यूनिवर्सल स्टूडियोज का मर्चेंडाइज स्टोर है। तो फाइनल पॉइंट आ गया, आइलैंड्स पार्क और एडवेंचर लेफ्ट पे है एंड यूनिवर्सल स्टूडियोज राइट पे है। फाइनली वो वाला गोला जिसके साथ सब लोग फोटो लेते रहते हैं, यहीं पे लोग फोटो खिंचा के अभी फोटो खिंचा के जा रहे हैं। तो अभी हम पार्क की ओर प्रस्थान करते हैं। तो ये है यहाँ पे एंट्री पॉइंट यूनिवर्सल स्टूडियोज का एंड ये वो गोले का एंट्रेंस, यहाँ से अगर फोटो खिंचानी है तो ये रहा मेरे पीछे यूनिवर्सल स्टूडियोज दिख रहा होगा, बिल्कुल एकदम सामने खड़ा हूँ इस गोले के। आई थिंक हर यूनिवर्सल स्टूडियोज में ये कॉमन है ये वाली चीज़, ये वाली अट्रैक्शन। ये मैप ये बहुत ज़रूरी है। यस, मैं थोड़ा सामान लॉकर में रखना खाने पीने का, तो यहाँ पे रखते हैं। हम हैं सर्कल कहाँ पे यार, एंट्री हम यहाँ पे हैं। तो हम ये पोर्ट ऑफ एंट्री पे हैं। इधर वेट टाइम 90 मिनट्स था, डिस्पाइजेबल भी तो छोड़ रहे हैं, छोड़ो। मेन रोलर कोस्टर्स में जाते हैं, पहली राइड करने जा रहे हैं हॉलीवुड रॉकेट ये वाली, दिखने में का तो ना है नहीं। तो फोन वगैरह सब अभी लॉकर में रखना पड़ेगा, अलाउड नहीं होकर लेके जाएंगे। 1 hour later लर्निंग है कि डोंट कम हेयर विदाउट द एक्सप्रेस पास। हमने 2 घंटा वेट किया, ना मोबाइल अलाउड है ना कुछ अलाउड है, बस बिल्कुल बिल्लों की तरह वेट करते रहो। वहाँ पे एक्सप्रेस वाले आ रहे हैं 15 मिनट में, उनको बारी आ रही है, तो इससे अच्छा 2 घंटा वेट करने से अच्छा $100 और $150 एक्स्ट्रा वो पे कर दो, वो बेटर है। एंड आई थिंक राइड अच्छी थी ये वाली, यही वाली, बट 2 घंटा वेट करना पड़ा इस राइड के लिए, वो बहुत दिल को लगता है। पर ठीक है, चलो 2 घंटा वेट करके राइड हो गई। अब एक शो देखने जा रहे हैं, यूनिवर्सल हॉरर मेकअप शो, देखते हैं वो कैसा होगा। फाइनली पहुंच गए लेकिन 5 मिनट लेट हैं, पता नहीं जाने देगा नहीं। 5 मिनट लेट थे हम तब भी मना कर दिया उसने, कहता दफा हो जाओ यहाँ से। तो 3:45 नेक्स्ट शो, देखते हैं किसी और राइड में जाएंगे तो शायद नहीं जा पाएंगे, बाद में आते हैं यहाँ पे। तो पीछे मेरे विंटेज गाड़ियों की डिस्प्ले है, नकली हैं बट जस्ट फॉर फोटोशूट्स लगा रखा है। एंड पीछे ये बहुत सही रेस्टोरेंट है, इसका नाम मेल्स ड्रिंक्स ऊपर लिखा हुआ है। तो हमारा कल का था आइलैंड्स पार्क ऑफ एडवेंचर जाने का, तो मैंने चेक किया बट कल का एक्सप्रेस पास भी नहीं मिल रहा। तो कल प्लान है सुबह 8 बजे आ जाएंगे, तो एटलीस्ट कुछ राइड्स तो सुबह फटाफट कवर होंगी। ये 2-2 घंटा लाइन में लगना है वो कोई पॉइंट नहीं है, बट डिज्नी का मैं ट्राई करता हूँ, एक्सप्रेस पास तो मिल जाना चाहिए। जैसे कुछ पीने का सोच रहा हूँ, बिकॉज 3:45 नेक्स्ट शो है तो वो अटेंड करके जाऊँगा टुवर्ड्स हैरी पॉटर, विजिटिंग वर्ल्ड्स ऑफ हैरी पॉटर। बाकी एक राइड थी रिवेंज ऑफ द मम्मी, वो तो बंद है तो वहाँ पर जा नहीं पाएंगे। ज़्यादा यहाँ पे एडवेंचरस राइड्स हैं नहीं यूनिवर्सल स्टूडियोज में, तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दैट आई वुड रिकमेंड 6 Flags। आई हैव बीन देयर एंड इट्स फार फार मच मोर एडवेंचरस एंड मच मोर डेंजरस दैन द राइड्स। ये हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम जैसा बना रखा है इधर। तो ये है मिनियंस परेड, पर अभी हो चुका है ये शो का टाइम 3:45, तो इसमें चलते हैं। दिस इज हॉरर मेकअप शो, ऑरलैंडो हॉरर मेकअप शो, काफ़ी पॉपुलर है एंड मस्ट विजिट शो, वन ऑफ द मस्ट सी शोज।
finally made it on time. Show start होने वाला. You know, I think you help me out. Yeah, sure. What you need? I was thinking. Yeah, I think overall a decent show था. बहुत ज़्यादा इतना अच्छा नहीं but आए हो तो देखना बनता है. मतलब बेसिकली मूवीज़ में कैसे मेकअप करके हॉरर मूवीज़ एनेक्ट होती हैं एंड कैसे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है उसको थोड़ा फनी वे में एनेक्ट करके दिखाया हुआ है. दैट वॉज जस्ट द शो. बट इफ़ यू आर हियर लाइक इट्स वन ऑफ द मस्ट वॉच शो. ये देखो जिससे पीछा छोड़ा गया है वो वापस पीछा नहीं छोड़ता. बारिश सारी राइडें बंद हो गई बारिश की वजह से. तो बाहर बारिश हो रही है तो सोचा यहाँ अंदर आके रेस्टोरेंट में कुछ खा पी लिया जाए. बाहर तो कुछ कर नहीं सकते सब राइड्स बंद हैं और बहुत तेज़ बारिश हो रही है. इधर से उधर ट्रैवल करना भी बहुत मुश्किल है. फाइनली यहाँ पे रेनकोट बेचने चौदह डॉलर का पहन के दिखाया तू. ये देखो भाई ये भी कर लिया $14 का ये कभी कर दिया था बेच रहे हैं. इनकी तो अच्छी कमाई हो रही है. बारिश होने की है. फाइनली 10 मिनट हुए नहीं है खरीदे हुए और बारिश रुक गई. तो अभी इसी में जा रहे हैं मैन इन ब्लैक एलियन अटैक. मैंने यहाँ पे लॉकर रूम में सामान रख रहे हैं. तो इसका वेट टाइम है 75 मिनट्स बट अब क्या ही कर सकते हैं. इन लोगों ने बोल दिया सर्कल में आने को पता नहीं क्या करने वाला Don't get your hopes up. This ain't no cakewalk. अच्छा ये है कब से? तो अभी तक ये लोग ऐसे वेट कर रहे थे राइड अभी एक्चुअली चालू हो गई. फाइनली ये वाली राइड है. इसमें ऐसे बैठ के जाना है पता नहीं कुछ कुछ करना है. इधर ऐसे जा रही है. हाँ मार उसको. वो लेजर है. आंखों पे मार आंखों पे मार. इंडिया आंखों पे मार. भाई इससे ज़्यादा बच्चों वाली राइड नहीं वाली. मतलब क्या एक्सपेक्टेशन करी थी और क्या अपन धूप के चला रहे हैं सब. तो भाई अब धूप निकल आई. ये सी ऐसा लग रहा है सिएटल आ गए वापस. कभी धूप कभी बहुत बारिश कभी कुछ. एंड अभी टेम्परेचर हो रहा है 23 डिग्री सेल्सियस. सामान ले लेते हैं. मतलब स्टैंडर्ड ही नहीं है भाई राइड का. कुछ तो स्टैंडर्ड होना चाहिए. बिल्कुल ऐसे बना के छोड़ दिया चीज़ें. टाइम की कीमत आज जानी 10 मिनट की कीमत. 10 मिनट और रखते ही एक घटिया ये चीज़ $14 की लेनी नहीं पड़ती. बारिश रुक गई थी और अब धूप भी आ गई है. फालतू में ये ले लिया. सो दिस राइड नॉट रिकमेंडेड बाई मी फॉर किड्स. यस मैन इन ब्लैक. सो फाइनली रीच्ड डायगन एली. तो अगर हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स जिसने भी देखी आएगी तो उसमें डायगन एली आता है. तो वो ये पार्ट बना रखा है सिमिलर टू चेंबर ऑफ सीक्रेट्स. एंड यहाँ पे थोड़ी बहुत हैरी पॉटर की राइड्स है. बाकी आइलैंड पार्क ऑफ एडवेंचर में है तो यहाँ से हॉगवर्ड्स ट्रेन भी चलती है आइलैंड पार्क ऑफ एडवेंचर तक. बट उसके लिए पार्क टू पार्क टिकट चाहिए जो हमारे पास है. हमने सिंगल पार्क टिकट ले रखी है पर डे की. हम वो हॉगवर्ड्स एक्सप्रेस में राइड नहीं कर सकते. इफ़ यू वॉन्ट टू राइड यू शुड टेक द पार्क टू पार्क टिकट एंड वो थोड़ी सिग्निफिकेंटली महंगी है. फाइनली लॉकर में रख दिया सामान. अब चलते हैं. दिस राइड इज कॉल्ड हैरी पॉटर एंड द ग्रीन गेट्स ऑफ फायर. पे 75 मिनट्स की वेटिंग. चलो लगते हैं. एंड वेटिंग के लिए आई वुड सजेस्ट डाउनलोड द यूनिवर्सल ऑरलैंडो ऐप. तो वहाँ पे पता लग जाता है हर राइड पे कितनी अप्रॉक्सीमेटली वेटिंग है. तो बेटर है जैसी जिसकी कम हो तो वहाँ चले जाओ उस राइड पर. एंड पता लग जाता है कौन सी राइड चल रही है कौन सी राइड बंद है. तो जाने की जरूरत नहीं है. To the now opposite end of the corridor. Where is it? What was that? The reason. तो ये दोस्तों राइट
3D ग्लासेस पहन के शायद कुछ दिखेगा स्क्रीन पे। I think this was decent enough, right? बाकी जो एनिमेशन दिख रही होती काफ़ी अच्छी थी और 3D भी पता नहीं फोन में कैसे दिख रही है, बट होपफुली आई थॉट गिव अ गुड एक्सपीरियंस। रिवेंज ऑफ द मम्मी करनी पड़ेगी क्लोज था आई थिंक, बट कॉन्सेप्ट उसका वही है कि अंधेरे में ले जाके एकदम से ऐसे झटके मारते हैं बैठे बैठाए, बट उसमें एनिमेशन नहीं रहता कितना इसमें। सो आई थिंक ये आज का लास्ट राइड था, तो निकलते हैं कुछ खाने पीने के लिए। रात में कुछ ऐसा दिख रहा है लास्ट। आई थिंक वहाँ भी लाइट लगा देते तो अच्छा लगता। तो आई थिंक अभी तक मैं दो यूनिवर्सल स्टूडियोज जा चुका हूँ, एक सिंगापुर में एंड एक लॉस एंजलिस में। तो दोनों यूनिक थिंग अबाउट दिस इज द हैरी पॉटर पार्ट दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू। बाकी सिंगापुर वाला तो मैं कहूँगा बिल्कुल अलग लेवल पे है, द स्टैंडर्ड ऑफ द राइड्स एंड इवन जो बेसिक राइड्स हैं उनका जो स्टैंडर्ड है, मतलब जो लेवल है उनका और जो क्रिएटिविटी डाली हुई है बहुत अमेजिंग है। यहाँ पे इतनी नहीं डाली हुई। एंड जो LA वाला था उसमें भी राइड्स अच्छी थी एंड मे बी मुझे थोड़ा कम वेट टाइम दिखा था हर पर राइड, तो इसलिए मेरे को बेटर लग रहा है। सो ये इतना अमेजिंग नहीं है जितना हाइप किया हुआ है अकॉर्डिंग टू मी, दैट्स माई ऑनेस्ट रिव्यू। बट हाँ, हैरी पॉटर वाला काफ़ी अच्छे से बना रखा है, फॉर हैरी पॉटर फैंस दिस इज डेफिनेटली अ मस्ट डू विजिट। तो आई थिंक अभी यहाँ से निकलते हैं एंड फिर कुछ खाते पीते हैं एंड ब्लॉग को इधर तक ही रखूँगा। एंड इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। I'll see you in another video tomorrow where I go to the same resort but in a different park which is Island Adventure Park. कल से सामान निकाल लेते हैं। मैं क्या बोलूँ ना बोलूँ। Put myself in a room, just my six and myself, yeah. It's getting hard.